अबे यहाँ क्यों खड़ा कर रखा है? अबे अब शर्मा क्या रहा है, बोलेगा भी। अरे भाई रिया ने कल बोला था आज वो हमारे साथ स्कूल चलेगी, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। अबे अभी ये रिया कहाँ से आ गई हमारे ग्रुप में? अपने घर से। हाँ हाँ पता है, बताने की जरूरत नहीं है। भाई सुन, अगर ये हमारे साथ जाएगी ना स्कूल तो मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, पहले बता रहा हूँ। यार तेरे को क्या प्रॉब्लम है रिया के आने से? भाई प्रॉब्लम है, कल इसने ना बिना मतलब में मेरे स्कूल के बोर्ड पे नाम लिख दिया था, और जबकि मैंने तो कुछ बात भी नहीं करी थी। अबे ओए सुन, तेरा नाम सुना था मैंने, इसीलिए तेरा नाम लिखा था, आई समझ में? तेरी आवाज सुनी होगी जब ही तो तेरा नाम लिखा होगा इसने। अबे भाई मैं तो खाली सिर्फ खूखू करके ना खांस रहा था, इतने में लिख दिया बता। खूखू करके खांस नहीं रहा था, अपने दोस्तों से बात कर रहा था, इसलिए तेरा नाम लिखा, आई बात समझ में? हाँ ठीक है भाई, पर मैं आज इसके साथ स्कूल नहीं जाने वाला, पहले बता रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तू अकेले ही चला जा स्कूल, वैसे भी आज हम स्कूल नहीं जाने वाले। तो हम कहाँ जा रहे हैं? डेट पे? बंक पे। ओ वाओ, आज हम बंक पे जा रहे हैं। आजा पुनीत तू भी चलो हमारे साथ। नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, तू मेरा दोस्त नहीं है, तेरी वजह से आ रहा हूँ, वरना मेरे को जाने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ जल्दी चलो, नहीं तो कोई देख लेगा हमें यहाँ पे। ओए इससे पूछ, बंक तो कर लिया, अब कोई प्लान वलान है या ऐसे टाइम पास करना है? स्कूल बंक तो कर लिया, कोई प्लान वलान है या ऐसे ही टाइम पास करना है? बोल तो उसे, सुन लिया मैंने भाई, सुन लिया। हाँ हाँ पता है। अबे तो बीच में मुझे क्यों घिसेट रहे हो, आपस में थोड़ा बात कर लो ना। अभी तो बस इतना प्लान है कि हम एक पार्क में जाएंगे। पार्क में क्या झूला झूलने? यार पुनीत तू भी आ जा ना, वो तो मजा आ रहा है। तू ये झूलिए झूला, बच्चों की तरह आ गए बंग मार के झूला झूलने। वो क्या है ना पुनीत, मैंने कभी बचपन में झूला नहीं झूल रहा, इसलिए मैं झूल रही हूँ। अबे तो फिर अकेली आती ना झूलने, हमें क्यों लेके आई है साथ में? मेरे और भी बहुत सारे प्लान है इसलिए। क्या बात है रिया, पूरी प्लानिंग के साथ आई हो। तो बंक करने निकले हैं, घूमने थोड़ी ना जो बिना प्लानिंग के आऊंगी। घूमने के लिए भी ना प्लानिंग होती है। तू इसी दुनिया देश मोहल्ले शहर जिले की है ना या कहीं और से आई है? हाँ, हाँ, लेकिन मुझे सबसे अलग करने का शौक है। हाँ हाँ वो तो दिख ही रहा है, तेरे मम्मी पापा ने भी ना कुछ अलग किया होगा जब भी तू पैदा हुई है। क्या बोला तू? कुछ नहीं मैं बताता हूँ क्या बोला था। तुझे रिपीट करना जरूरी है भाई? सॉरी सॉरी भाई सॉरी। अब प्लान क्या है? टाइम क्या हो रहा है? 10 बज रहे हैं। तो अगर इस समय हम स्कूल में होते तो क्या करते? अबे एक दूसरे के मुंह को क्या देख रहे हो, मुंह पे लिखा है क्या? अरे लंच टाइम हो गया, चलो बड़ी खाना ढूंढते हैं। हाँ ठीक है, पर मैं अपना लंच किसी को नहीं खिलाऊंगा। अबे अपना देखना भाई, मेरे में क्या जाग रहा है? तो भाई क्या लाया है? भाई मैं तो जो भी लाया था ना मैं तो सब रास्ते में ही खा गया, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, खाली टिफिन बचा है देख। तू क्या लाया? कुछ नहीं लाया। आज तो उसका खाना खा के ना अपना नाम वाला बदला मिटाऊंगा। देखो मैं घर से खाना नहीं खा के आया, प्लीज मुझे खाने दो। भाई उससे पनीर की खुशबू आ रही है। ए, भाई अब तो चखना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है मैं तुम दोनों को खिलाऊंगी, हारू को। चल अब खोल भी इसे। अरे हाँ हाँ रुक, खोलती हूँ मैं इसे, पर ना मैं तुम दोनों से ना एक बात शेयर करना चाहूंगी। कौन सी बात? तुम्हें पता है मेरा ना आज तक कोई दोस्त नहीं था, और रोहित से दोस्ती हुई मुझे सिर्फ 3 से 4 दिन हुए हैं,
और आज मुझे तुम दोनों के साथ आके ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कितने पुराने दोस्त हैं। भाई ये तो इमोशनल बातें भी कर लेती है यार। भाई मेरी आंख से तो पानी भी आ रहा है और नाक से भी। गंदा। मेरी जिंदगी सवारी यारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। चार दिन बाकी है बेकार दिन जीने के हैं चार दिन बाकी है बेकार दिन जीने के हैं चार दिन बाकी है बेकार दिन। वैसे पुनीत सॉरी मैंने ना तुम्हारा नाम ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया था ना। अरे कोई बात नहीं रिया, लगता है दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। अच्छा रिया आगे क्या प्लान है? आगे का मेरे ना आज तक कभी इतने अच्छे दोस्त बने ही नहीं, तो मैं सोच रही हूँ अपने इस स्कूल के बंक को यादगार बनाती हूँ। लगता है भाई कोई मूवी देख के आई है। मूवी? हाँ चलो क्यों ना मूवी देखने चले। मूवी देखने चले? पैसे है तेरे पास? कहाँ से जाएगा मूवी देखने? हाँ तो क्या हुआ, पैसे नहीं है हमारे पास तो हमारे पास और बहुत कुछ है करने को, तो चले। कसम से आज तो भाई मजा ही आ गया। मुझे तो सबसे ज्यादा मजा घर की घंटी बजाने में आया। मुझे तो सबसे ज्यादा मजा उस अंकल को डराने में आया। मुझे तो रिया के लंच बॉक्स में से ना जो पनीर खाने में मजा आया भाई पूछो मत, मजा ही आ गया। मुझे तो आँख पे पट्टी बांध के खेलने में बहुत मजा आया। हाँ यार मजा तो बहुत आया, आज का दिन है ना वाकई में हमारा यादगार बन गया। तो कल फिर से चले बंक पे? पागल हो गई है क्या? अगर घर वालों को पता चला ना हमारी हड्डियां तोड़ देंगे। अबे अब तुझे क्या हो गया, चल ना। भाई अब तो सच में हड्डियां टूटेंगी। क्यों क्या हुआ? वो देख कौन है ये बुड्ढा, इसे भी कहीं डरा के भगाना है क्या? मजा आएगा। रिया इसे ना डरा के भगाना नहीं है, इससे ना डर के भागना है। क्या? ऐसा क्यों? ये मेरे पापा है। पापा? इन दोनों को देखो, बंक मेरे साथ मार रहे थे और गायब अकेले अकेले हो गए। चले राम को नलायक, यहाँ क्या कर रहा है तू? साले हम अपना पेट काट काट के तुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजते अपने घर से और तू यहाँ साले स्कूल बंक मार रहा है, हैं? साले रुक, तुझे तो मैं बताता हूँ। साले आज तेरी माँ होती ना यहाँ पे, साले तेरा जीना राम कर देती। राम को कुत्ते, रुक तुझे मैं बताऊँ।